हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूं अपना सेल्फ हेयर कट। मेरे हेयर की जो लेंथ है आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा लॉन्ग हेयर मेरे हो चुके हैं, बहुत ही लंबे हो गए हैं, तो इसको कट करना जरूरी है। और जब भी मैं हेयर कट करती हूँ आप लोगों के साथ में, मैं हमेशा वीडियो शेयर करते रहती हूँ। अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग हम सामने से करेंगे। कौन सा कटिंग करने वाली मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप प्रोसेस देखिए। तो गाइडलाइन के लिए हम क्या करेंगे, बीचों बीच से हेयर को निकालेंगे। इस तरीके से कैमरे को मैं ज्यादा जूम ऑन नहीं कर सकती क्योंकि जूम करूंगी तो फिर दिखाई नहीं देगा। पीछे का जो एक्स्ट्रा है उसको मैं हटा दूंगी। अब इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, यहां से मेजर करना है शोल्डर के पास से, और इसको कट कर देंगे। ठीक है, बराबर कट करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारी गाइडलाइन बन चुकी है। अब इसको हम हाफ हाफ करके ऐसा डिवाइड कर लेंगे ताकि दोनों तरफ के लिए हमें गाइडलाइन मिल सके। अब क्या करेंगे, जो नीचे के हेयर बचे हुए हैं तो हम उसको क्या करेंगे, इस तरीके से जस्ट कान के ऊपर से हेयर को निकालेंगे और इसे सामने की तरफ ऐसा कोम करके लेके आएंगे। बताइएगा आप लोग जरूर कि मैं अपने बालों पे कौन सा कटिंग कर रही हूँ। ये इतना सुंदर लुक आता है इस कटिंग से कि इसमें लेयर के साथ साथ स्टेप्स भी ऐड होते चले जाते हैं। तो ये जो लेयर है इसे हम जस्ट अपनी गाइडलाइन के बराबर मेजर करते हुए इक्वल कट कर देंगे। ठीक है, कोम करने का तरीका आपको वीडियो में देख के अच्छे से समझना है, हाथों का मूवमेंट कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में ही देख के समझ में आएंगी। इधर भी सेम वैसे ही हम जो है जस्ट कान के ऊपर से सेक्शन को डिवाइड करेंगे, और मैं वीडियो फास्ट नहीं कर रही हूँ ताकि आप प्रॉपर अच्छे से समझ सकें। ये देखिए, सामने की तरफ कोम करके लेके आना है, इक्वल कट कर देंगे। तो ये जो फर्स्ट सेक्शन मैं भी जो ये कट करी हूँ, इसको मैंने हल्का सा जो है अपने फेस को क्रॉस किया हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस बहुत माइनर सा जो है फेस को जो है क्रॉस करते हुए कट करना है, जिसको कि आप मिनी रिवर्स लेयर कट भी बोल सकते हो। उसके बाद में फिर से हमें साइड से सेक्शन डिवाइड करना है, तो इसमें जो है मैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से फेदर कट करने वाली हूँ ताकि मेरे हेयर की लेंथ भी मेंटेन रहे और एक अच्छा हैवी स्टेप्स लेयर का लुक भी आ जाए। अब पीछे वाले हेयर को देखिए, ऐसा कोम करना है, सामने की तरफ लेके आना है इस तरीके से। तो इसमें जो है मैं बहुत ज़्यादा फेस को क्रॉश नहीं कर रही हूँ, तो ये जो है हल्का रिवर्स एंड फेदर का मिक्स हेयर कट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। फिर से यहाँ से गाइडलाइन के लिए हेयर को लेंगे और हेयर को प्रॉपर अच्छे से आप गीला करके कट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना हेयर स्लिप होता है। मेरी तो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस है कि आप कैसा भी हेयर मुझे दे दो कट करने के लिए, मैं बहुत इजीली कर लेती हूँ। अब यहाँ पे हेयर को क्या करेंगे, जो लास्ट वाला हमारा सेक्शन है उसको हम कान के ऊपर से कोम करते हुए सामने की तरफ लेके आएंगे और इसे भी इक्वली कट कर देंगे। तो नीचे की लेंथ मेरी कितनी जा रही है ये देखिए, थोड़ा थोड़ा ही कट हो रहा है। यहाँ पे ये हमारा एक साइड का डन हो चुका है। अब पहले हम इधर वाला भी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में इसमें मैं मिक्सिंग का प्रोसेस कंप्लीट करूँगी, पहले दोनों तरफ का कटिंग डन कर लूँगी। तो इसको कान के पीछे मैं थोड़ा सा सिक्योर कर दे रही हूँ ताकि मुझे डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि सेल्फ में जब कट करो ना तो मिरर में भी देखना हो जाता है कि पोजिशन सही जा रही है नहीं, पार्टिंग हमारी सही है या नहीं। तो मिरर को मैंने सामने रखा हुआ है, इसको भी देखिए, फेस कोमिंग सामने की तरफ कर रही हूँ, उसके बाद हल्का सा अपने हैंड को फेस से क्रॉस करते हुए लेके जा रही हूँ, उसके बाद बराबर कट कर रही हूँ। तो ये समझ में आ गया होगा कि हल्का रिवर्स एंड फेदर का मिक्स लेयर हेयर कट है। फिर से सेक्शन डिवाइड करेंगे, गाइडलाइन के लिए यहाँ से हेयर को लेंगे और इसे भी सेम वैसे ही कोम करते हुए सामने की तरफ लेके जाना है।
तो देखिए कितना परफेक्ट तरीके से कटिंग कंप्लीट हो रहा है, कुछ भी इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस के लिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, कोई भी आप एक सस्ती डमी परचेज कर लीजिए और उस पर आप कटिंग की प्रैक्टिस करें, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके हाथों में फिनिशिंग आएगी हेयर कट को लेके। हेयर कट बहुत ही सोच समझ के करने वाली चीज़ होती है, वैसे पार्लर का हर एक काम बहुत ही हमें समझदारी से और बहुत ही अच्छे से करके देना होता है। लेकिन मेकअप में अगर थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ होता है तो आप उसे क्लीन करके ठीक कर सकते हो बाद में तुरंत, लेकिन हेयर कट में अगर आप थोड़ा भी गड़बड़ कर देते हो ना तो उसमें हेयर के छोटे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि लोगों को ये हो जाएगा कि हमने इतना बोला था और आपने इतना ज़्यादा क्यों कट किया। तो हेयर कट बहुत ही एकदम सोच समझ के करें। कि हेयर की मिक्सिंग कर दूंगी जो कि मैं अभी नहीं की थी, तो पूरे हेयर को एक साथ में इस तरीके से ग्रिप करेंगे और फेस को क्रॉस करते हुए अच्छे से कोम करेंगे, और उसके बाद में जो भी हेयर हमारे शेप से थोड़ा भी डिफरेंट लग रहा है उसको हम इक्वली ट्रिम कर देंगे। बहुत हल्का सा ट्रिम हो रहा है यहाँ पे क्योंकि हेयर कट बहुत ही परफेक्ट तरीके से हुआ है। जब हम गाइडलाइन के साथ में काम करते हैं तो हमारा जो कटिंग है वो कभी भी ख़राब नहीं होता है, इसलिए बोला जाता है ना कि गाइडलाइन पहले रेडी करो और उसको फॉलो करते हुए पूरी कटिंग को कंप्लीट करो। सेम यही प्रोसेस हमें इस तरफ वाले हेयर पे भी कंप्लीट करना, फेस के सामने ऐसा हेयर को कोम करते हुए लाएंगे, हल्का फेस को क्रॉस करते हुए, और जो भी एक्स्ट्रा हमें लगेगा थोड़ा सा भी अगर आपको सेंटीमीटर में भी लगता है तो उसको ट्रिम करके नोचिंग कर देंगे। ये हमारा डन हो गया है। तो पूरी कटिंग को कंप्लीट करने के बाद में लास्ट में हमें करना होता है अपना फ्रंट हेयर कट, जो कि साइड बैंग्स है ये, और ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो अपनी कटिंग को उतने पे ही छोड़ सकते थे, लेकिन मुझे सामने से थोड़ा लुक और चाहिए क्योंकि ये हमारी कटिंग को और भी ज़्यादा इन्हेंस करेगा, उससे और भी ज़्यादा लुक प्रीटी लगेगा। तो वी शेप में हेयर को निकालना है बीचों बीच से और ऊपर की तरफ ले जाने के बाद ऐसा इक्वली कट कर देना है। एक बार में कट नहीं करेंगे वरना आपका जो मेजरमेंट है वो गड़बड़ हो सकता है, तो आप इसे थोड़ा थोड़ा करके कट करें ताकि अगर एक बार बड़ा रहेगा तो आप उसको अपने पसंद के हिसाब से छोटा कर सकते हो, लेकिन इकट्ठे छोटा कर दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी भी मैं चेक कर रही हूँ कि ये कहाँ तक जा रहा है, तो मुझे थोड़ा भी और लंबा लग रहा है तो इसको मैं थोड़ा और शॉर्ट करने वाली हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ना आप लोग भी चेक कर सकते हैं कि आपको सामने का कितना लेंथ पे कट रखनी है, उसके हिसाब से आप उसको कट कर सकते हो। लास्ट में नोचिंग जरूर कर देंगे ताकि जो नीचे के हेयर का वेट है वो कम हो जाए और बालों पे अच्छा बाउंस रहे। तो ये डन हो चुका है। अब लास्ट में बारी आती है कि पीछे से हम अपने बालों को फिनिशिंग कैसे दें, क्योंकि बैक साइड से तो पॉसिबल है नहीं। तो मैं यहाँ पे देखिए कैमरे को थोड़ा सा पीछे कर दी हूँ ताकि प्रॉपर मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। इसमें लेयर बहुत ही अच्छे से आ चुके हैं और बहुत अच्छा वॉल्यूम भी आ गया बालों पे। अब इसमें मैं यू कट का आप लोगों को एक तरीका बता देती हूँ। नीचे वाले हेयर को देखिए इस तरीके से एक साथ में ग्रिप करते हुए सामने की तरफ लाएंगे, डाउन करते हुए, जैसे कि हम लेज़र कट के टाइम पे रखते हैं, और जो नीचे का हेयर आपको लग रहा है उसको बराबर कट कर देंगे, ठीक है। और वो तिरछा अपने आप ही पीछे दिखाई देगा, वो जो डीप में आपको ऑटोमेटिक ही दिखेगा। मेरे हेयर पे और अब जो है अच्छे से इसमें लेयर कट हो चुका है, तो ऊपर वाले हेयर तो छूट जाएंगे क्योंकि छोटे हो चुके हैं। तो नीचे वाले हेयर पे हमें जो है एक अच्छा फिनिशिंग देनी है, और जब बैक में हेयर को लेके जाओगे तो हेयर एकदम डीप यू कट में दिखेगा। ये देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। तो ये वाला हेयर कट अगर मैं कट नहीं करूँगी तो बैक साइड में वो एकदम नीचे निकला हुआ दिखेगा हमारे शेप से। तो इसको हम क्या करेंगे, सामने की तरफ ही रख के ऐसा ट्रिम कर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे बराबर कट कर रही हूँ। अगर किसी को बहुत ही डीप में लुक चाहिए, है ना, अगर आप सिर्फ और सिर्फ यू कट ही करें तो हल्का तिरछा करेंगे, और मेरे बालों पे ऑलरेडी लेयर कट हो चुका है तो उसमें डीप आ ही जाएगा। इस वजह से सिर्फ मुझे नीचे के बालों पे शेप देना है। तो देखिए बहुत अच्छे से इसमें वैल्यू मार चुका है। ना एक तरीका और भी बताती हूँ कि आप अपने यू कट को कैसे परफेक्टली मेज़र कर सकते हो कि सच में वो अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है। तो हेयर को आप जो है ना दोनों पॉइंट्स को एक साथ पकड़ के भी आप मेज़र कर सकते हो कि वो छोटा बड़ा तो नहीं लग रहा है या आगे पीछे तो नहीं लग रहा है। तो मेरा हेयर कट कम्प्लीटली डन हो चुका है और बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अभी मैंने जो है ब्लो ड्राई हेयर सेटिंग बहुत ही डिफरेंट तरीके से अपने बालों पे किया हुआ है, तो वो चीज़ मैं स्किप कर दी हूँ, और सेकंड चैनल पे वीडियो ऑलरेडी जा चुकी है। बिना ज़्यादा ब्लो ड्राई यूज़ किए कैसे मैं अपने बालों को सेट की हूँ
और आप ये सेटिंग सेल्फ में ही बहुत ही इजीली कर पाएंगे। और इस टाइप का जो हेयर सेटिंग है ना, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है। किसी भी फंक्शन पार्टी में अगर आपको जाना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बालों को अच्छे से आप ऐसा सेट कर लें। इसके बाद आपको कुछ भी कोई भी हेयर स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में ही इतना खूबसूरत दिखने लगता है। किसी भी आउटफिट के साथ में ऐसा हेयर स्टाइल बहुत ही प्यारा लगता है। आप चाहें तो हल्का सा सामने की तरफ से पफ भी कर सकते हैं, या फिर ओपन रख सकते हैं, हल्का साइड से ट्विस्ट करके अपने हेयर स्टाइल को बना सकते हैं, जिसका कि मैं ऑलरेडी बहुत सी ऐसे हेयर स्टाइल की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अब मैं देखिए, मैं कोम करके भी आपको दिखाऊंगी। इसमें कितना भी फिंगर चलाओ, कोम करो, हेयर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है। और ये कमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे कि मैम सेल्फ ब्लोर ड्राई हेयर सेटिंग की वीडियो अपलोड करिए, तो इसमें जो है मैं नहीं इस ऐड की हूँ, लेकिन सेकेंड चैनल पर वीडियो जा चुकी है, तो वहाँ पर आप ज़रूर देखिएगा। और इस कटिंग को ट्राई करने के बाद में मुझे इंस्टा पे पिक जरूर शेयर करना। इंस्टा आईडी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको देखिए नज़दीक से जो भी इसमें स्टेप्स आए हुए हैं दिखाती हूँ, कितना प्रिटी लग रहा है। और मेरे हेयर की जो लेंथ है वो भी मेनटेन है, क्योंकि मुझे ना बहुत शॉर्ट हेयर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कॉमेंट्स भी बहुत से आते रहते कि मैम आप अपना हेयर शॉर्ट करो, तो मुझे ना शॉर्ट हेयर रखने की आदत नहीं है, मुझे थोड़े से लॉन्ग ही अच्छे लगते। पहले तो मेरे हेयर इससे भी ज़्यादा लंबे थे, अभी तो मैं काट काट के छोटा ही कर देती हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा शॉर्ट मैं नहीं रख सकती, क्योंकि मेरी आदत है थोड़े से लॉन्ग हेयर रखने की। और लॉन्ग हेयर प्रिटी भी लगते हैं, कोई भी आउटफिट पहनो, सभी के साथ में बहुत प्यारा लगता है। और यहाँ पे मैं अपने बालों को देख लेती हूँ कि सच में कैसे लग रहे हैं, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ और सिर्फ कैमरे में ही वीडियो शूट करी थी, तो सामने से मैं मिरर भी हटा दी थी। ये देखिए, आई होप कि आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा। तो देखा ना आप सबने, मैं जिस तरीके से दूसरों का हेयर कट बहुत अच्छे से कंप्लीट करके देती हूँ, सेम वैसे ही मैंने अपना भी हेयर कट कंप्लीट किया हुआ है। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। कल मिलती हूँ आप सबसे एक और अच्छी सी नई वीडियो के साथ में, तब तक इस वीडियो को इंजॉय करें। लव यू ऑल, बाय एवरीवन। और हाँ गाइस, सेकंड चैनल पर वीडियो लाइव हो चुकी है, तो फटाफट से जाओ और देखो।